हर हर महादेव मेरे दोस्तों। सो फाइनली आज मैं निकला था अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए कि भाई मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाऊंगा, और दोस्त ने कहा था कि वो मुझसे मिलेगा फाइनली, बट कहीं ना कहीं वो काम में बिज़ी हो गया था और मैंने कहा चल मैं अकेले ही चलता हूँ। मैंने एक घंटे का टाइम है, मैं निकलता हूँ। बट जैसे ही मैं निकला ना यार, मैं एक बस में बैठा, जो कि मुझे पता लगा मुझे उस बस में जाना है, बट होता क्या अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं एक बस में बैठा हूँ, एक घंटे का ट्रैवल करके आता हूँ, मुझे लगा सही चल रहा हूँ। मैं जिस बस में गया हूँ घूम के, बस जा रही थी, मुझे लगा बस उल्टी जाएगी कहीं और। अब सेम उस बस ने एक घंटे बाद मुझे सेम स्टॉप पे पहुंचा दिया। शाबाश। और मेरे हंस हंस के इतने बुरे हाल हो गए ना। अभी मेरा दोस्त बहुत मजाक उड़ा रहा था मेरा कि भाई क्या है। मैंने ये कहा था यार चल ठीक है निकलते हैं अकेले, अब थोड़ा रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा कि संभलना पड़ेगा। भाई जर्मन सीखे बिना बुरे हाल हो रखे हैं, मतलब मैं तो यार भी मैप भी नहीं देख के चल पा रहा हूँ। मैं बुरा हाल हो गया भाई। सो हेलो दोस्तों, यहाँ मैं रहमान, और भाई का नाम क्या है? सज्जन के साथ आया हूँ। भाई सिम लेने के लिए हैं, और लोकेशन क्या उसमें दिखाता हूँ आपको जरा। मैं देखो कैमरा दिखाता हूँ, मैं देखो इसका इसका ऐप पर यार क्या मस्त है, दूर करके दिखाता हूँ। ऑसम व्यू, और यहाँ एक चर्च है। ये पागल हो रहा है जाने के लिए। सो भाई लोकेशन बहुत ही ओसम है, और अभी देखते सिम लेने जा रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है, भाई को थोड़ा पता है। और आज जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं जिस स्टॉप से चला उसी स्टॉप पे एक घंटे बाद वापस आ गया, तो ये तो मैंने बता ही दिया था। मैं नास मार के आया हूँ, और अगर ये दोनों ना होते मैं खो जाता शायद। मैं अपने किसी बंदे को बुलाता हूँ वहाँ से कि भाई मेरे को लेने आ जाओ, मेरे से नहीं जाया जा रहा। रेवन फीलिंग क्या आ रही है यहाँ पे आके? बेकार। अबे यहाँ पर कुछ तो अच्छा लग रहा होगा। कुछ भी अच्छा लग रहा है, मत पूछो। इंडिया जाना है? हाँ। भाई मेरे को भी इंडिया ही जाना है, भाई को भी जाना है, सबको इंडिया ही जाना है यार। वापस कुछ पैसे कमा ले निकलेंगे भाई, ताकि तब की तब देखेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। फिलहाल तो घर की बहुत याद आती है ना, स्टार्टिंग में आओगे तो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। चलते हैं आगे, बाकी छोड़ो यार निकलते हैं आगे। सो हेलो दोस्तों, मैं निकल रहा बर्लिन की शहर के लिए, और ये मेरा दोस्त है। देखो यार जब तक ये ग्रीन नहीं होगा ना तब तो लोग वहाँ से निकलेंगे नहीं। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखिए ज़रा रोड ऐसे बनते हैं भाई। रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, इन्होंने आधे एरिया को कवर कर दिया है, तो रोड बनेंगे अब ऐसे। तो भाई सिस्टमेटिक है सब कुछ यहाँ पे, और बेटर भी है। सामने ग्रीन हो चुका है, निकलते हैं। देखो लेकिन एक सेकंड पीछे देखो, पीछे। ये यहाँ से ग्रीन लाइट है, और यहाँ पर, और ये मेरे साथ में एक मेरा भाई है। भाई ये बहुत अच्छी वो बोलता है, अरे भाई जर्मन बोलता है। Alles gut, wie geht's? उनको ट्रैम दिखाओ। अच्छा ट्रैम दिखाओ, ये देखो भाई ये रही ट्रैम, सामने निकलते हैं। अच्छा यहाँ चलना है आप, भाई बताएगा भाई जर्मनी का एक्सपीरियंस बताओ मुझे। आप बहुत सी जर्मन बोलते हो, जर्मन कैसा है? बहुत अच्छी नहीं है, बट ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा। मुझे तो जर्मनी में 2 साल हो गए, 2 साल में मेरे जर्मन अभी भी वह मैं क्या बोलूँ, हाफ लेवल तक ही है। अच्छा तो इसी में बैठना है हमें मेन, हाँ इस तरीका में जाना है, और मेन बाय प्रैक्टिस। इधर आके तो हम हिंदी में बात नहीं कर सकते, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, जर्मन में बात करना पड़ेगा तो ही हमें लैंग्वेज सीख पाएंगे भाई। डेफिनेटली, और मैं भाई की हेल्प लूँगा भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है। फिलहाल अभी ब्लॉग को मैं थोड़ा वो करता हूँ, डिस्क्लोज करता हूँ, क्योंकि ट्रेन में आ चुके हैं, ट्रेन में बैठ के मिलते हैं बाद में। बाय बाय। सो फाइनली दोस्तों, वी आर इन अलेक्जेंड्रा प्लॉट, जो कि बर्लिन के अंदर है, यहाँ की मेन सिटी में, और भाई के साथ। सो भाई के साथ घूमने में मज़ा आ रहा है आज, फाइनली भाई ने घुमा ही दिया, एक छुट्टी थी उसी में। और ये सामने को टावर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैंस एयर टूम, बर्लिन टीवी टावर है। जर्मनी में, जर्मनी में ओके ठीक है। बिल्डिंग, स्काई स्कैपर्स यू कैन सी। सो डेफिनेटली निकलते हैं आगे अभी, और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सारी चीजें
शो करता रहूँगा आपको मैं यहाँ पे. एंड सच ए नाइस सिटी यार. वी हैव टू शिफ्ट देयर और नॉट. ओके 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 भाई, पूरी टूरिस्ट प्लेस है, मजा बहुत आ रहा है. ये तो हमारा टीवी टावर है, इनको एस्पान दिखाओ. एस्पान ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, देखो ऊपर जा रही है, दिख गई होगी आपको. इसको एस्पान बोलते हैं. मगी फीलिंग तो मैं आप लोग को वर्ल्ड क्लॉक दिखाऊंगा. वर्ल्ड क्लॉक तो इधर है, हमारा बर्लिन का वर्ल्ड क्लॉक है सर. ओके 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 चलो सामने पास जाके दिखाते हैं इनको जरा. हाँ कैसा टाइम है. अच्छा ये बताइए आपको यहाँ जर्मनी लगा कैसा, पहले आप मुझे बताइए जर्मनी लगा कैसा, ये ओपिनियन बताना आपने कैसे ही कंट्री, कैसी कंट्री है. मैं सच बताता हूँ भाई. हाँ. जब मैं पहले आया था. हाँ. जर्मनी तो बहुत अच्छा था, बहुत एक्साइटिंग. हाँ. अब दो साल के बाद तो बहुत मुझे तो बहुत बोरिंग लग रहा है. सच बताता हूँ बहुत बोरिंग लग रहा है. हाँ, बोरिंग इन द वे क्यू, वही लाइफ, वही सब कुछ छुटके करना. वो सो सेम रूटीन हो गया हमारा, सेम शेड्यूल है. तो एनीवेज मुझे लग रहा है कि कुछ नया करना चाहिए. एनीवेज देख, जब आ रहे हैं तो हमको ऐसा प्रोग्रेस करना है. और देख अगर जर्मनी में मेन एम क्या है भाई, सही फील्ड में जॉब मिलना. सीरियसली वो एक्चुअली इधर सबसे डिफिकल्ट चीज है. डिफिकल्ट मेन स्टडी में जॉब करके. इधर तो बहुत डेडिकेशन चाहिए स्टडी में, मतलब फील्ड में जॉब पकड़ना. डेफिनेटली. हाँ तो अच्छा, अगर इंडिया से ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर है या नहीं है, या इंडिया में ज्यादा प्रोग्रेस है. देखो भाई ऑफ कोर्स जर्मनी में इंडिया से ज्यादा प्रोग्रेस है, है डेफिनेटली है. जनरलाइज नहीं कर सकते भाई देखो, क्योंकि इंडिया में देखो इंटरनेट और वाईफाई बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बहुत सस्ता है. डेफिनेटली यहाँ बहुत कॉस्टली है. इधर तो भाई वाईफाई तो बहुत कॉस्टली है. इंडिया में हमको अराउंड आई थिंक 250 रुपीज हमको अनलिमिटेड मिलता है. डेफिनेट 300. हाँ 300 में अनलिमिटेड मिलता है. हाँ जर्मनी में इंटरनेट लिमिटेड है. तो वो बहुत बड़ा डिजाइनली अभी भाई 20 यूरो खर्च कर रहा है. 20 यूरो अप्रोक्सीमेटली मैं आता हूँ तकरीबन 2000 के आसपास. और कितना मिलता है उसमें आपको? 2000 नहीं, आपको कितना जीबी मिलता है जो आपका प्लान है अभी? मुझे तो 20 यूरो में 25 जीबी मिलता है. 25 जीबी मान लो 2000 में इनको 25 जीबी मिल रहा है, तो भाई कहीं उससे 6 गुना ज़्यादा है. तो ये चीज़ देखी जाएगी. और ये वर्ल्ड क्लॉक दिखाते हैं आपको सामने. ये रही भाई, इसका टाइम समझ आता है आपको? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है भाई. ये तो देख 24 आवर्स क्लॉक है. हाँ 24 आवर्स क्लॉक. आप ऐसे जाते हैं पीछे 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 तो सबका टाइम जोन जैसे है. चलो भाई के साथ अभी निकलते हैं, एक बार आपको व्यू दिखाते हैं अगेन. देखिए ऑसम व्यू, ट्रैम चल रही है. निकलते हैं आगे, बैंक जाना पता नहीं वहाँ काम होगा या नहीं होगा, बट फिलहाल निकलते हैं आगे. बाय बाय. एंड बीच में हर एक चीज शो करते रहेंगे. हर हर महादेव.